अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। मलेशियन चिकन करी सिंपल एंड इजी रेसिपी, ये मैं गार्निश कर रहा हूँ। ये देखे करी कितनी खूबसूरत है, और ये मुख्तलिफ रेसिपी है इसकी। सब्सक्राइब पर क्लिक करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। सो डिलीशियस, वाओ क्या मज़े की है इसकी रेसिपी। जो है तरीका मुख्तलिफ है, जो कि और मुल्कों में बनती है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उनमें जो कढ़ाई बनती है उसका तरीका और है। ये मेरी इंग्रेडिएंट्स है। टमाटो चिकन मैंने 800 ग्राम लिया हुआ है। ये ग्रीन चिल्ली है, ओनियन है, ये रेसिपी। अब हमने टमाटर को काट लेते हैं, इसके मोटे पीस कर लेते हैं। अब मैं ग्रीन चिल्ली काटता हूँ। ये ग्रीन चिल्ली की कटिंग कर लेनी है। उसके साथ फिर मैंने ओनियन की मैंने कटिंग पहले कर ली है। अब मैं ये टमाटर की कटिंग कर लूँ। हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये जो कढ़ाई है, ये जो करी बना रहे हैं, और मुल्कों में आपने देखा, जो मैंने मुल्कों के नाम लिए हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगाल, इन मुल्कों में जो कढ़ाई बनती है उसमें चिकन को पहले फ्राई किया जाता है। जबकि ये जापनीज़ हो गया, और ये जो मलेशियन हो गया, और ये मलेशियन जो करी है, ग्रेवी इसकी भी वैसे ही लगती है, बहुत मज़े की है, डिलीशियस बनती है, लेकिन इसमें चिकन को पहले फ्राई नहीं किया जाता। और इसके ये देखें, मैंने अब ये डाल ली इन चीज़ों को इसके अंदर, टमाटर को भी डाल लूँगा इसमें, और इसको हमने कर लेना अच्छे तरीके से मिक्सचर। ये इस तरह मिक्स हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर मैं इसमें नमक, सुरग, मिर्च, फिर वो चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी है। सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन पर पुश करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब पर पुश करें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो पहुंचे आपके पास। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, सुरख मिर्च, हल्दी। ये मैंने नमक डाल दिया है, ठीक है। ये एक स्पून बनता है ये छोटा। अब इसमें जाएगी हल्दी, ये मैंने डाल दी हल्दी, ठीक है। अब इसमें जाएगी रेड चिल्ली, सुरख मिर्च मैंने डाल दिया। अब इसमें जाएगा गरम मसाला, ये गरम मसाला पीसा हुआ पाउडर, वो चला गया है मिक्स गरम मसाला। अब गार्लिक पाउडर मैं डाल रहा हूँ इसमें थोड़ा सा, इसका टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने ये जो कूटी हुई मिर्च होती है, साबुत, इसको दड़ा बोलते हैं, ये वाली डाल रहा हूँ मैं, लाइट सी, ज़्यादा मिर्चें नहीं इसमें डालनी, तो ये ना होगा अगर मिर्च कम रखनी पड़ेगी। अब इन सारी मिक्स को ये देखें, मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दी है साथ ही चिकन को। अब देखें यहाँ भी, अब मैंने इसको फ्राई नहीं, अब इसमें पानी हमने डाल देना है, क्योंकि जो रेस्टोरेंटों में भी यहाँ पर जो कढ़ाई हंडियाँ बनती हैं उसमें चिकन को थोड़ा सा ब्राउन करके, टमाटरों को कच्चा ही इसी तरह ही रखा जाता है, उनको बनाई नहीं होती। अब इसमें ये देखें मैंने पानी डाल दिया, ऊपर से फिर उसको इसी तरह से ढांप दिया जाता है। ये देखें चीज़ें, अब देखें बिल्कुल फ्रेश कटिंग की वैसे लग रही हैं। ये मैं और पानी इसमें डाल रहा हूँ, और ये देखें माशाल्लाह कढ़ाई कितनी भर गई है पानी से, और ऊपर मसाला इसके आ गया है। और ये जारी बात है, जब ये स्टीम के अंदर चीज़ें पकेंगी, आपको पता होगा कि स्टीम के साथ ये जो हमारी प्लेट है, मैंने ऊपर कवर किया मैंने इसको 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट बाद इसको उठाएंगे तो फिर, लेकिन यहाँ पर हमें इसको जो है ना आधे घंटे के लिए करना पड़ता है, आधे घंटे में रेडी हो जाएगी। तो फ्लेम जो है, अब ये देखें अपना कढ़ाइयाँ हैं जो हांडियाँ हैं उनका टेस्ट, और इस ग्रेवी का टेस्ट, इसको अब चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। वैसे तो आप ग्रेवी तो और खाते रहते हैं भाई, रेस्टोरेंट मुख्तलिफ में जाते हैं, तो ये वाली आपके लिए यूनिक होगी। इसको ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ईजी भी है, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके बताएं किसने ये कढ़ाई वगैरह खाई है। ये जो करी है, करी कढ़ाई की तरह ही है ना, जो ग्रेवी वही मैं कह रहा हूँ, तो किसने भी ये मलेशियन करी खाई है तो बताएं। आप ये देखें मैंने ढक्कन उठाया, और देखें बहुत प्यारी बुक माउथ वाटरिंग, किस तरह की ये कढ़ाई तब बन गई है करी। इसको आप पाती के साथ खा सकते हैं, नान
के साथ खा सकती हैं, तो मैं इसको प्लेन राइस के साथ खाऊंगा। सरगुड़वेल राइस, अब ये देखिए माशाल्लाह ये कितनी प्यारी करी बन गई है, खूबसूरत थिकनेस बन गई है, ग्रेवी भी है बीच में। एक शोरबा देखे माशाल्लाह कितना प्यारा प्यारा लग रहा है, ठीक ठीक। मैं इसको बोल के अंदर निकाल रहा हूँ, ये इस तरह। अब ये देखो बोल में निकाल लिया है, तो अब इसकी मैंने ऊपर से गार्निश कर देनी है। गार्निश के लिए मैंने ये सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया जंजर ये चीज़ें मैंने काट के ऊपर मैं लगा देता हूँ। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी इसको आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, तो यकीनन आपको ये जो है चीज़ पसंद आएगी, क्योंकि एक तो नई भी है, तो आप इसको बना कर खाएँगे, घरों में मेहमान भी आपके खुश होकर जाएंगे कि यार हमने फलां जगह पर चिकन जो खाया बहुत मज़े का था। अब मैं खा कर दिखाता हूँ इसको चावलों के साथ। ये देखें मैंने प्लेन राइस लिया, ऊपर मैंने चिकन रखा, माउथ वाटरिंग। ये सो डिलीशियस, वाओ क्या जबरदस्त टेस्ट आया, क्या मज़ा आया खाने का, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।